अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं और हकूमती बताए SOPs के मुताबिक अपना ख्याल भी रख रहे हैं और वैक्सीनेशन भी लाजमी करवाएं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। नाज़रीन, ये हमारा प्यारा वतन, पाक धरती, प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। इसके सीने पर रवां दवां दरिया, इसकी आगोश से फूटती रहमतों के सिलसिले, इसके आंगन में रक्स करती नदियाँ, इसके पहाड़ों पे उछलते कूदते चश्मे, इसके मैदानों में शादाओं फरहाँ परीरू, दरख्त जेबा बदन सब्ज़े, खुश रंग फूल फैलती सिमटती रोशनियाँ, रश्के मरजां शबनमी कतरे, लहलहाती फसलें मुस्कुराते चमन, जहाँ ताप बहारें और गुल परवर मौसम इसकी अजमत के गीत गा रहे हैं। ये हमारा मुल्क भी है, हमारी तकदीर भी, ये दास्तां भी है, ये अरमां भी है, ये हमारी मचलती आरजू भी है और हमारी आरजुओं का आस्तां भी है। हमारे खून के कतरों में वो तकद्दस नहीं जो इस वतन के खाक दरों में है, हमारी जबी की लिखत में वो अज़्म हौसला नहीं जो इस वतन के आबी कतरों में है, हमारे वजूद की मट्टी में वो दिलकशी नहीं जो दिल फरेबी इस वतन की खाक में है। नाज़रीन, अगस्त का महीना हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। अहमियत इसलिए रखता है कि इस महीने में हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान आज़ाद होकर मिला और आज हम लोग इसके लिए, इसके दिन रात तरक्की के लिए अपने दिन रात कुर्बान कर रहे हैं। तो क्या अवाम से जानेंगे कि क्या वो वही जज्बा रखते हैं जो हम लोग अपने बचपन में रखा करते थे, कि ये वही जज्बा क्या वो मौजूद है जो हमारे बुज़ुर्ग रखा करते थे, क्या वो जज्बा मौजूद है कि हम लोग झंडियाँ लेकर आते थे, हम लोग दिए जलाते थे और हम लोग पाकिस्तान की दिन रात तरक्की के लिए दुआएँ मांगा करते थे। आज अवाम से जानेंगे कि अवाम इस अगस्त के महीने को कैसे मनाती है, पाकिस्तान के लिए क्या जज्बा रखती है और इसकी बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर रही है और किस हद तक जाने को साथी, मगर फिर कायदे आज़म साली रहनुमा निकला। सामेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज प्रोफेसर इलियास। अच्छा जी, फ्रॉम फैसलाबाद। मैं यहाँ पर पाक मारुफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज में। अच्छा जी, अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताएं जी कि जो आपको देखने वाले हैं डेफिनेटली आपको अहमियत का पता होगा, तो उन पर ज़रा सा वाजे करें कि इस अगस्त के महीने की क्या अहमियत है जो आपको देखने वाले हैं उनको पता चलेगा। देखें, दिस इज़ नॉट एन ओनली ए सेलिब्रेशन, दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन। अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट के तनाजर में, तो सब कॉन्टिनेंट में वी आर स्लेव बट नाउ वी आर इंडिपेंडेंट। एंड आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस और जो स्लेवरी होती है उसमें ये फ़र्क है। एक तरफ हम अगस्त जो प्रीवियस मंथ है उसमें हम गुलाम थे, तो जो ही अगस्त 14 अगस्त आता है तो हम एकदम से हमारी जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से और कायद आज़म मोहम्मद अलजना, अलामा इकबाल चौधरी रहमत अली एंड मैनी अदर लीडर्स, उनकी एफर्ट से हम इंडिपेंडेंस ले लेते हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप कहें कि स्लेवरी और इंडिपेंडेंस का ये फ़र्क है तो वी आर इंडिपेंडेंस नाउ, बट अगर हम प्रीवियस मंथ की बात करते हैं तो वो हम गुलाम थे। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज ए, हमें गुलामी से छुटकारा हमें मिला है। यानी कि ये 14 डेज का दिन ये नहीं है कि सिर्फ हम निकले और हम सेलिब्रेशन, इसका मतलब ये है कि हमें अंग्रेज के जो एक उनके हम गुलाम थे और हम इंडिपेंडेंस हो गए। ठीक है, मुझे आप ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो बच्चों के साथ उठते बैठते हैं, वो जो यूथ है आज का उसके अंदर वही जज्बा है जो आप जब यंग थे या आप जब छोटे थे आपके अंदर हुआ करता था? नहीं है। ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ये जो हमारी डेफिशिएंसीज आपको नजर आ रही हैं ये कुछ भी नहीं है। अगर हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम उन्हीं हमें कुरान और सुन्नत के ऊपर आ जाते हैं, तो यही कौम होगी जो आपको पूरी दुनिया फतह करके दिखा सकती है। ठीक है, तो यानी आपको, आप पर उम्मीद है कि ये जो है, ये हमारा यूथ जो है, ये काम आएगा और ये वही जज्बा रखता है? यस, एब्सोल्युटली। हमारी जो नेशन है, अगर जज्बा आपको किस डायरेक्शन में दिखाई देता है, वो आजकल जो जज्बा जा रहा है वो किस डायरेक्शन में? सर, उस मुआशरे में हर इंसान जो है वो अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करना शुरू कर दे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना शुरू कर देता है, तो मैं सकता हूँ हमारी कौम उधर जा सकती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएंगे, ये जो इतनी एनर्जी वेस्ट की जाती है 14 दिनों में, पहले अगस्त से लेके 14 अगस्त तक यूथ भी वेस्ट करता है, सारे लोग लगाते हैं, पहले झंडियां लगाई जाती थी, चरागाह किया जाता था, दुआएं मांगी जाती थी, ठीक है, तो अब वो अगर देखा जाए तो एंजॉयमेंट का फैक्टर ज्यादा आ गया है,
वो दुआओं वाला कोई कारकर्दगी को बेहतर बनाना, कुछ सोचने वाला फैक्टर बड़ा कम रह गया, तो क्या वजह है और उसको उसके बारे में क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से जो जिंदा कौमें हैं वो सेलिब्रेट करती हैं, बट हमारे वेज जो हैं वो गलत हो जाते हैं, यानी कि हम वो पैसा जो हमारे ऊपर हम नहीं लगाना चाहिए हमें फजूल चीज़ों के ऊपर लगा देते, तो हमें सेलिब्रेट ऐसा करना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी जो एम ऑफ लाइफ है पाकिस्तान में वो क्या थी, हमारी आइडियोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए हमें स्टेप लेना चाहिए। तो सेलिब्रेशन होने चाहिए लेकिन इस लेवल तक नहीं होनी चाहिए कि वो माशरे के लिए नासूर बन जाए। जैसे कि आप देखते हैं वन व्हीलिंग, उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई माओं के बच्चे बिसर जाते हैं, बहुत सी चोट लग जाती है, वो हमेशा के लिए मजदूर हो जाते हैं। तो ये दिस इज नॉट अच्छा। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जितने अभी 14 अगस्त गुजरे या इससे पहले 3-4 साल में या उससे 5 साल में, एक स्पेसिफिकली इस दिन बड़ा तूफान बदतमीजी मचा हुआ होता है। अगर आप मेन शाहराहें देखें उन पे आपको रोड्स भी ब्लॉक मिलेंगे, सारे लोग रोड पे भी निकले हुए होंगे और वो सेलिब्रेशन के नाम पे जनरल पब्लिक को बड़ा तंग कर रहे होते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर आई थिंक द इथिकल वीकनेस, हम इसको मैं इसको अखलाकी बुराई कहता हूँ, अखलाकी कमजोरी कहता हूँ, इसका सेलिब्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इंसान का जो अंदर इनर होता है वो आउटर होता बन जाता है। यूथ को क्या कहेंगे आप इससे, कोई मैसेज देंगे? यूथ को मैं यही कहूंगा कि आप उनकी सेक्रीफाइस को देखें जिन्होंने पाकिस्तान बनने में अपनी जानें दी हैं, अपनी प्रॉपर्टी, इस एनर्जी को पॉजिटिव लेकर जाएं, जिसको पॉजिटिव लेकर जाएं और हम मकसद को समझें कि ये सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? हमने अल्लाह का शुक्र करना है कि हमें इंडिपेंडेंस मिली हुई है, हम स्लेवरी से निकल आए हैं। तो सेलिब्रेशन अगर हम ऐसे ही करेंगे कि हम दोबारा उन्हीं की अंग्रेजों की या हिंदुओं की रसूमात को सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब हम गुलामी में जा रहे हैं फिर। ठीक है, तो हमें अपने आइडियोलॉजी को देखना है कि हम आइडियोलॉजी क्या है और हमने आगे कैसे और जो भी करें वो मद्देनजर उन कुर्बानियों को रखते हुए करें। एब्सोल्युटली। ठीक है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे, कैसे हैं जी? अलग शुक्र, गुलजान नाम है मेरा। अच्छा जी, गुलजान भाई मुझे ये बताएं, क्या पता है आपको, क्या मालूम है इस अगस्त के महीने के बारे में? अगस्त के महीने में इतना ही कहूँगा कि इस वक्त जो हम आज़ादी मना रहे हैं, हमारे बच्चों को उस कुर्बानियों का नहीं पता जो कुर्बानी हमारे बड़ों ने दी हैं। ठीक है, जो लोग वहाँ से हिजरत करके आए थे, जिनके बच्चे जुदा हो गए, बीवियाँ जुदा हो गई, खामों जुदा हो गए, रेल में आए कोई कटे हुए, किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, आज हमारे बच्चे सिर्फ आज़ादी मनाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज़ादी के पीछे कुर्बानी क्या है। ठीक है, वो मीनिंग नहीं पता, वो नहीं पता। तो हमारी हर चाहे जो आम बंदा है या जिस भी फील्ड से तल्ले के उसको, वो कम से कम अपने घर में ही बता दे कि बच्चा इसके पीछे असल रीज़न क्या थी, किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, यानी बच्चों की तरबियत में वो चीज़ लाई जाए। हमारे बच्चों को चीज़ का नहीं पता, बस वो आज़ादी मना रहे हैं, जा रहे हैं अपने जिस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए कि इस आज़ादी को। आप एज अ पेरेंट अपना किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल करा रहे हैं, टीचर भी कर रहे हैं, पेरेंट भी कर रहे हैं। चलें, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। कामरान राठौर। अच्छा जी, कामरान भाई क्या करते हैं और ये बताएं कि जी इसके बारे में, जो अगस्त का महीना है इसके बारे में आपको क्या मालूम? जी मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा, बेसिकली अगस्त जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 14 अगस्त। ठीक है, तो इसके वाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सब टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और न्यू जनरेशन को बताना चाहिए कि किन कुर्बानियों से जो है ये कंट्री हमने हासिल की है। ठीक है, मुझे ये बताएंगे कि आपके जो स्कूल है जहाँ पे आप टीच करते हैं वहाँ पे छोटे बच्चे भी होंगे, तो जब अगस्त का महीना आता है तो आप लोग जो हैं कौन से इवेंट्स कराते हैं, किस तरीके से उस महीने को एग्जीक्यूट उसमें करते हैं स्पेशल इवेंट्स को? जी इसमें हम इस तरीके से करते हैं कि हम एक तो स्पेशल डे रखते हैं उसके लिए। ठीक है, फिर उन्हें जो है ना इसके ऊपर डिबेट्स दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो तकरीर वगैरह करवाते हैं ताकि बच्चों को पता चले नई जनरेशन को कि किन कुर्बानियों से हमने पाकिस्तान। ठीक है, यानी आप डिबेट्स और डिक्लेमेशंस करवाते हैं और उसके थ्रू आप लोग जो है अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिव चीज़ है अगर देखी जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। दलील नाम है मेरा, मैं भी इनका कुलीग हूँ। अच्छा, आप भी कुलीग ही हैं, तो मुझे ये बताएं जी, आप अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाए तो क्या जज्बा देखते हैं आजकल का जो बच्चा है, अगर उसको पाकिस्तान की बात की जाए, उनको बताया जाए कि हमें कितनी मुश्किल से ये मुल्क मिला, ठीक है, तो उनका क्या जज्बात होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं इन छोटी छोटी बातों पर? डिफरेंट है, मतलब मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मनाते हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जो गलत होती हैं, जस्ट लाइक सर ने अभी बताया आपको, वन व्हीलिंग हो गई या मतलब कि हॉर्न या किसी को तंग करना। इस दफ़ा मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा अगर हम चेंज कर लें, यानी प्लांटेशन, प्लांट्स अगर लगाएँ
तो मेरे ख्याल में ये अच्छा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करेगा और पूरा साल बंदा जब नेक्स्ट 14 अगस्त आएगा तो उस प्लांट्स को जाके बंदा देखे, उसके साथ दूसरा लगाए, तो आई थिंक ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कह रही हैं कि कोई पॉजिटिव इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएं जिसमें ये हो कि जो यूथ है हमारा पॉजिटिविटी की तरफ जाए। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी राय जानी, ये सारे टीचर्स थे और कोलीग्स थे, हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि अगर हम लोग यूथ को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, यानी कि अगर 14 अगस्त जब भी आता है या अगस्त का महीना आता है उसमें हम जब डिफरेंट इवेंट्स करा रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने कहा कि हम डिक्लेमेशन कराते हैं, हम डिबेट्स कराते हैं और अवेयरनेस दिलाने की कोशिश करते हैं जो हमारे बच्चे हैं, ताकि उनमें अवेयरनेस हो, उनको पता हो कि हमारे जो बड़े हैं उनकी क्या कुर्बानियाँ रहीं। तो उनका ये भी कहना था कि अगर हम इन 14 डेज में हम लोग पॉजिटिव इवेंट्स जो हैं वो कराएं, उसमें अवेयरनेस दी जाए, जैसा कि अभी उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि टी प्लांटेशन की तरफ चले जाएं, इसी तरह के अगर और भी इवेंट्स होते रहें तो हमारा जो यूथ है उसमें एक तो अवेयरनेस डेवलप होगी, सेकेंडली उनको ये भी पता चलेगा कि हम लोगों ने इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए किस तरीके से किरदार अदा करना है और हम लोग आगे चल के बढ़ के क्या कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम से गपशप का सिलसिला जारी है। आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं कि क्या उन्हें पता है 14 अगस्त की अहमियत के बारे में, अगस्त के महीने की अहमियत के बारे में। उसके अलावा उनसे मज़ीद राय भी जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं इस महीने से मुंसलिक। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। कौन सी क्लास में है? 2। और क्या नाम है आपका? अलीशा फातिमा। अच्छा अलीशा फातिमा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि अगस्त के जो मंथ है उसमें क्या हुआ था? हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और ना हमने बहुत खुशियां मनाई थी और हम वाइट और ग्रीन कपड़े पहनते हैं और ना अच्छा। पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं। अच्छा, आपको कोई कोई पाकिस्तान का मिली नगमा आता है? कुछ भी सुनती होती है? नहीं। अच्छा, बस ऐसे ही सेलिब्रेट करती हैं? तो बाकी खेलती शेलती हैं ज़्यादा? अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है जी? अलिशबा। अच्छा अलिशबा, कौन सी क्लास में है? 4। अच्छा, और अलिशबा कहाँ से आई हैं? इतने प्यारे प्यारे आपने ड्रेसेस पहने हुए हैं। सिंध हैदराबाद से। सिंध हैदराबाद से। अच्छा, तो आपको पता है कि अगस्त के महीने में क्या हुआ था? अगस्त के महीने हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कौन सी डेट को? 14 अगस्त को। कोई बात नहीं, चले 14 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो कैसे आप उसको सेलिब्रेट करती हैं, क्या करती हैं? हम ग्रीन एंड वाइट मतलब ड्रेसिंग करते हैं और खुशियां मनाते हैं। अच्छा, खुशियां मनाते हैं। तो आपको कोई मिली नगमा आता? कोई कुछ भी नहीं आता? ऐसा नहीं आता? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा चलें, सही। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। कौन सी क्लास है? नसरी। क्या नाम है? हसनैन। हसनैन, हसनैन आपको पता है अगस्त के महीने में क्या हुआ था मंथ में? पाकिस्तान आज़ाद था। अच्छा, और कौन सी डेट को हुआ था? नहीं, 14 अगस्त को हुआ था। अच्छा, तो क्या करते हैं आप 14 अगस्त को या अगस्त के मंथ में? जी खेलते हैं, बता, बड़ी शरारत करते हैं, ग्रीन एंड वाइट ड्रेसेस पहनते हैं। वेरी नाइस, चलें, थैंक यू। मुझे ये बताएं, आपको पता है कि अगस्त के महीने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है? यकीनन 14 अगस्त का दिन इस पाकिस्तान के हवाले से हमारे सब के लिए बहुत ही अहम है, हमारे मुल्क के हवाले से। हम सब जानते हैं कि आज़ाद हुआ है और बड़ी कुर्बानियों के बाद हुआ है, तो इसकी अहमियत से कोई इनकार ही नहीं है। तो एज अ कौम हम इसको बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं, ठीक है, हीरोज़ को याद करते हैं ताकि हमारी जो छोटे यूथ हैं उनको पता चले। अच्छा, तो कैसे सेलिब्रेट करते थे बचपन में, अगर देखा जाए जो आपका बचपन था उसमें, तो अभी सेलिब्रेशन में कोई फ़र्क आया है उस वक्त से? हाँ, जब हम स्कूल में होते थे तो जाहिर सी बात है एज ए टेबलोस बनाते थे, अच्छा उसके साथ स्पीचेस होती थी, दीगर चीज़ें होती थी। अब एज ए हम पेरेंट्स होते हैं तो हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उन चीज़ों को याद दिलाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस आया। तो उनको बताते हैं कि क्या था जो पास था, किस तरीके से कुर्बानियाँ दी, किस तरीके से आए। आजकल के बच्चों में थोड़ी सी इसकी अवेयरनेस की कमी है,
तो वो आप लोग पूरी करने की कोशिश करते हैं? यकीनन करते हैं, और आजकल मीडिया की वजह से वो चीज़ें थोड़ी से ज़्यादा हाईलाइट हो गई हैं, ठीक है। तो बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से हुआ, तो हम बताते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन हुई और उसमें काफ़ी कुर्बानियाँ दी गई, उसके बाद मारज़ वजूद में आया, और आजकल नई नस्ल को चाहिए कि वो जज्बा अपने अंदर पैदा करें, ठीक है, कि कायद अजम के जो अहकाम थे उसको सिर्फ किताबों में पढ़ने के बजाय उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि जो नई नस्ल है उसका जज्बा जो है वो गलत डायरेक्शन पर जा रहा है? अब मैं इसको ऐसा कहूंगा कि डायरेक्शन तो गलत तो नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करने की जरूरत है, ठीक है। उनके अंदर पोटेंशियल है, वो खुद जानते है। भी हैं कैसे करना है, लेकिन एज अ पेरेंट यूटिलाइजेशन नहीं है उसको करना की जरूरत है, समझ ठीक है। तो मतलब डायरेक्शन देने की जरूरत है, दे दें, अगर उनको डायरेक्शन दी जाए तो बड़े एनर्जेटिक है, बड़ी एनर्जी है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। चले, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना ताल्लुक रखेंगे। एजाज हुसैन नाम है जी, कहाँ से तो मेरा गिलवस्तान से ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे घूमने आए हुए सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। एजाज भाई, मुझे ये बताएं कि जो अगस्त का महीना है ये हम सब के लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, सब कुछ हुआ, तो जिस मकसद के लिए आज़ाद हुआ तो क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? देखें, जिस तरह हमें एक मकसद के तहत, जिस तरह हमारे बड़ों ने, हमारे जो हिस्ट्री के लोग थे, जो हीरोज थे, उन्होंने कुर्बानी दी थी, वो मकसद 100% हम तो कभी भी उस चीज़ पर अमल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हमारा कायज़म का था, इस्लामाबाद के जो ख्वाब था, जो एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से हम एक आज़ादाना तौर पर हम रह सकें, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर भी हैं, लेकिन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे यंग, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, अपने आप में तब्दील लाएँ। हो सकता है इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमको कोई तब्दील लाकर उनके अहकाम पर अमल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे जो हमारी जो जनरेशन है, उससे पहले के लोग जो थे वो ज़्यादा उस पर अमल करते थे या हम ज़्यादा अमल कर रहे हैं? जो हमारे पेरेंट्स थे और उनके पेरेंट्स जो थे, उनके अंदर एक अलग जज्बा था, उन्होंने वो चीज़ देखी हुई थी। अब जैसे हम हैं, हमारे जो बाद में आने वाले, उनके ये कि सिर्फ हिस्ट्री के कहानियाँ सुनाई गई हैं, ये चीज़ उन्होंने एक पिक्चर नहीं बनाई हुई है, उनको एक उनके माइंड में एक पिक्चर बनाने की जरूरत है, भाई ये चीज़ हुई थी तब जाके ये चीज़ हमें मिली है। कैसे उसको उजागर किया जा सकता? इसके दो ही चीज़ें हैं, एक जिस तरह हमारी किताबों में हम पढ़ते जाते हैं उसको ने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, भाई कायज़म ने ये बोला था तो मकसद के लिए बोला तो इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं अपने माशरे के अंदर, अपने इलाके के अंदर, ठीक है, तभी जाके हम जो मकसद था वो मकसद हम हासिल कर सकते हैं। कहीं कहीं ना कहीं आपको वो जो यूनिटी वाला फैक्टर था वो दिखाई देता है? बिल्कुल, अभी यूनिटी को मैं तो कहूँगा ऐसे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के लोगों के अंदर वो चीज़ बहुत ही कम है, बहुत कम है। हर कोई आपस में एक दूसरे से झगड़ने, एक दूसरे के खिलाफ बोलने, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारा मीडिया ही बोले, आज़ाद मीडिया है, लेकिन हर मीडिया, हर चैनल या हर एक इदारा जो है वो डिफरेंट एंगल में लेके जा रहा है, एक डायरेक्शन में हमारा नहीं है, कोई कुछ बोला, बिल्कुल डिफरेंट एंगल में वो कुछ करते हैं, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन ठीक है। आपको क्या लगता है कि वो तो फिर फेथ की बात भी आती है, तो वो है सर्वाइव कर रहा है, लोग ठीक है, बिल्कुल ठीक, लोग हर कोई अपने तौर पर ठीक है, कोई भी इस दुनिया में पाकिस्तान में कोई भी गलत नहीं है, अपने तौर पर हर कोई ठीक है, ठीक है। मैं अपना हूँ, मैं खुद ठीक हूँ, लेकिन दूसरों के तौर पर हो सकता है गलत हूँ मैं। और फिर डिसिप्लिन की बात की जाए तो वो कहाँ देखते हैं आप? डिसिप्लिन कभी है ऊपर नीचे थोड़ी बहुत है, लेकिन आपके सामने अभी बताऊँ, ठीक है, मैं ज़्यादा खुद मैं इस चीज़ पे मैं अमल ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस चीज़ से हमें नेगलिजेंसी है, इस चीज़ में हमें इस पर काउंटर अटैक करने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ और कम हम कर सकें, और हमारा जो मेन मकसद था, बुनियादी मकसद जो था वो हम हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हम एक दूसरी बात या आखिरी बात में यह कहूँगा, 14 अगस्त का जो मकसद था वो सिर्फ शोर शराबे की हद तक नहीं था, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, उसको एक ईमान, एक इतिहाद, एक तंजीम के साथ दिखाना होता है। ये आजकल जो हम कर रहे हैं, एक जवान मैं खुद, ठीक है, यंग एज 20-25 साल की एज में शोर शराबे ज़्यादा करते हैं, अमली कम, अमल हम कम करते हैं, ठीक है, समय करने जब आप छोटे होंगे तो आपको याद होगा कि चरागाह किया जाता, दुआएं भी की जाती थी, दुआएं सब ज़्यादा जो हमारे स्कूलों में करते थे, एक अलग पूरा 3 से 4 दिन हम पूरा मनाते थे, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, भाई 14 अगस्त आ रहा है, अभी दिया है कि भाई आ गया 14 अगस्त, इन शोर शराब हो गया, 2-3 झंडियाँ लेकर घूमे फिरे, खत्म हो गया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो हमारे पेरेंट्स थे उनको ये दौर में जो चीज़ें थी, जिस तरह एक मकसद होता था, ये मकसद के बगैर वो कुछ भी नहीं करते थे, फायदा नहीं करते, ठीक है जी, चले, थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी राय जानी, ये लोग गिलगित बल्तिस्तान से आए और इन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये दिन हमारे लिए। जाहिर सी बात है कि हमारा पाक वतन जो है वो इस दिन आज़ाद हुआ, वो 14 अगस्त का पूरा महीना, 14 दिन जो है वो हम पाकिस्तानी बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उनको इस तरीके से मनाने का कि जब उसमें मकसद ना हो? मकसद होना बेइंतहा ज़रूरी है, कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, हमसे एक जनरेशन पहले की अगर बात की जाए, तो वो अगर इस दिन को मनाया करते थे तो वो किसी मकसद के तहत मनाते थे, ठीक है, वो अगर 14 दिन सेलिब्रेशन करते थे, वो चरागाह करते थे, तो वो
कुछ दिखाने की कोशिश करते थे कि हम लोगों ने कोई कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों ने भी कुछ दी, तो जिसकी वजह से हमें ये मुल्क मिला, हमारा प्यारा वतन हमारे पास आया। तो मकसद के बगैर जो है आजकल हमारा यूथ रोड्स पर निकल जाता है, शोर शराबे पर ज़्यादा तवज्जो देता है और जो असल मकसद है कुर्बानी का वो भूल गए हैं। जो डिसिप्लिन था, जो यूनिटी थी, जो फेथ था, वो शायद बहुत कम है, शायद कम नज़र आता है, देखने में नज़र आता है। हमारा जो यूथ है बेसिकली उसको शायद डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर हम लोग उसको एक डायरेक्शन दें और बेहतर डायरेक्शन में वो चले तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है, वो मुल्क के लिए भी काम करेगा, उनका किरदार भी अच्छा होगा मुल्क की तामीर और तरक्की में। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम से गपशप का सिलसिला जारी है और अगस्त के महीने की अहमियत भी जान रहे हैं और आवाम से बातचीत भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं और अगस्त के महीने को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अभी कहा गया, एक भाई साहब ने कहा कि जिंदा कौमें सेलिब्रेट करती हैं, तो वही सिस्टम जो है, वही सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन उसको पॉजिटिव करना चाहिए। अभी हमारे साथ एक फैमिली एक और आई हुई है जो कि नवाबशाह से आई हुई है, तो उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको क्या पता है, क्या अहमियत है और उसको कैसे वो मनाते हैं। कैसे हैं जी आप, खैरियत से हैं? करम है, ठीक है। आपका क्या नाम है जी? अब्दुल रहमान। अच्छा अब्दुल रहमान भाई, मुझे ये बताएं कि अगस्त के महीने की क्या अहमियत है और आपको क्या पता? बड़ी अहमियत है माशाल्लाह, उस पाकिस्तान की आज़ादी हुई 1947 में, 14 अगस्त हमारे लिए बड़ी ख़ास अहमियत है। अच्छा, उसकी अच्छी बात करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि जो तहरीक आज़ादी थी, इसमें लियाकत अली खान का क्या किरदार था? लियाकत अली खान का एक बड़ा किरदार था जी। उसका अपना इनाम था। अच्छा जी जी, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव था, सब पॉजिटिव था जी जी जी, ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बता रहे मोहम्मद अदनान से, खैरियत से। अच्छा मुझे ये बताएं जी, कैसे मनाते हैं जी अगस्त के महीने को आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज़ादी मिली है, हम एक आज़ाद मुल्क में, पाकिस्तान है, मुसलमान है, ठीक है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली सन 1947 में, ठीक है। तो कैसे मनाते हैं, मनाते कैसे हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बहुत खुशी करते हैं, कौमी तराने पढ़ते हैं, मिली नगमे गाते हैं घर पे। तो मुझे ये बताएं कि उधर जो आपका इलाका है नवाबशाह, उधर क्या झंडियां शंडियां भी लगाई जाती है, चरागाह किया जाता है? बहुत, बिल्कुल चरागाह किया जाता है और परचम लहराए जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं 14 अगस्त की खुशी में। हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का बड़ा कर्म है, तो रैलियां भी निकालते हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यानी आप एंजॉय करते हैं और फुल एंजॉय, ये भी एंजॉय 14 अगस्त की खुशी में हो रहा है अभी जो। अच्छा, अच्छा, हमारी फैमिली ना मुकम्मल 14 अगस्त के सिलसिले में ये अच्छा 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 निकले हुए हैं, निकले हुए हैं। चले थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक है। अच्छा कौन सी क्लास में है? 2C में है। क्या नाम है आपका? सोहेबा। अच्छा तो ये बताएं कि आपको पता है अगस्त के मंथ में क्या हुआ था? नहीं पता। आज़ादी मिली थी। ओके चलें, फिर आपको आपके पापा बताएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं जनाब कि नवाबशाह में क्या ख़ास करते हैं आप लोग अगस्त के महीने में, कैसे मनाते हैं, क्या इम्पोर्टेंस रखती है आप लोगों के लिए ये महीना, क्या इम्पोर्टेंस रखता है? सबसे पहली बात ये है कि 14 अगस्त का वो दिन है हमारे साल में, एक हमारे दो बड़ी खुशियाँ होते हैं इस्लामी लिहाज से, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। अब हम मुसलमानों के लिए उसके बाद अगर जो खुशी है वो सबसे ज़्यादा खुशी है कि 14 अगस्त का दिन, क्योंकि इस दिन से हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी की वजह से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, ठीक है। और हमने एक आज़ाद कौम जैसे सांस लिया, ये हमारे ज़िंदगी में इससे बढ़ के और खुशी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बात जो आपने नवाबशाह की, तो नवाबशाह जो हमारा पूरा अभी अभी कहलाता है डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनीजाबाद। अच्छा। हमारे कायद शहीद मोहतरमा बेनी भुट्टो नाम से वो शहर मुंसल के। अच्छा, अभी डिवीज़न भी वही है हमारे पूरे ज़िले में, पूरे हर तहसील, हर यून का हस्ते पे प्रोग्राम होते हैं और हमारे पीपल्स पार्टी कायदी तरफ से हर हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और कॉलेजेस, ओवरऑल यूनिवर्सिटी में भी जहाँ खुशी के दिन के लिए मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। अच्छा। और वहाँ कौमी तराने पे मिले नगमे होते हैं, प्रोग्राम सेलिब्रेट होते हैं और बड़ी बहुत रैलियाँ होता हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अगर बड़ा प्रोग्राम होता है अच्छा, जहाँ अच्छा। हमारे स्टेक होल्डर्स, MPAs, MNAs, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर, यानी प्रॉपरली मनाया जाता है, बिल्कुल शुरू से ही हमारे जब डिस्ट्रिक्ट बनी थी मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा जी जी, उसने हमारे नवाबशाह में एक पुराना होता कल्चर पुराना होता जिसको कहते फ्लावर शो, ठीक हमारे मशहूर तालीम दान थे
एच एम ख्वाजा साहब जिसका बड़ा नाम है सिंध में तालीम के लिहाज के, तो उसी की याद में वो फिलहाल शो होता था जिसमें जैसे आप ये देखें इवेंट ना सेम इसी पैटर्न का इवेंट होता था जो मुसलसल 20 साल बंद रहा। हमारे कायद मोहतरमा फरियाद तलब साहबा ने नवाब शाह की आवाम के लिए वो दोबारा ओपन किया जो हर साल मनाया जाता है। बीच में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से 2-3 साल क्लोज रहा लेकिन अभी तक उस सिलसिले ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। चले थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अपना तारफ कराएंगे। मेरा नाम नासिर जमील है। मैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरा से सिंध से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा खैरपुर से हैं आप जी। ठीक है तो मुझे ये बताएं जी खैरपुर जो है उसमें कैसे मनाते हैं जी अगस्त के महीने को आप लोग? देखें अगस्त का महीना हमारी आज़ादी का दिन है। आज़ादी का महीना है। 1947 में जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की जद्दोजहद से इलामा इकबाल की सोच से। तो हमारे लिए ये बहुत खुशी का दिन है। हमारे लिए आज़ादी का दिन है। हमारे लिए ऐसे दिन है ये जैसे पंछी पिंजरे से आज़ाद हो। बिल्कुल। तो इसलिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। हम बहुत जोश और जज्बे से ये दिन मनाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी। हम अपने बच्चों को सब्ज कपड़े पहनाते हैं, सब्ज झंडे वाले परचम वाले कपड़े पहनाते हैं। बहुत जज्बे से, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके जैसे छोटे थे, छोटे होते हम झंडियाँ लेते थे, बहुत खुशी के दिन होते थे हमारे लिए। वही दिन, वही सोच, वही हर चीज़ हमारे जहनों में अभी तक भी मौजूद है और वैसे ही हम मनाते हैं दिन जैसे मनाने का हक होना चाहिए। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना बीबी है। अच्छा हिना मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में आप? मैं फिफ्थ क्लास। अच्छा फिफ्थ क्लास में। आपको पता है कि अगस्त का जो मंथ है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि यहाँ इस महीने में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था बिकॉज ऑफ कायदे आज़म। और कायदे आज़म का क्या नाम था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। वेरी नाइस। अच्छा तो किस तरह सेलिब्रेट करती हैं, क्या करती हैं आप अगस्त के मंथ में? हम एवरी अगस्त के मंथ में न्यू क्लॉथ्स लेते हैं बिकॉज हमारे स्कूल्स वगैरह में पार्टीज वगैरह होती हैं इंडिपेंडेंस के। और हम बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं क्योंकि हम लोग आज़ाद हैं हिंदूज और ब्रिटिश के अटैक से। और हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि हमारा पाकिस्तान भी आज़ाद है और हम लोग भी अभी फ्रीली लाइव कर सकते हैं और हम इस बात से बहुत खुश हैं। अच्छा आपको कोई मिली नगमा आता है जी? कोई मिली नगमा आता है? नहीं। कोई मतलब, मतलब जीवे जीवे पाकिस्तान या हम जिंदा कौम है समथिंग लाइक दैट कुछ भी नहीं आता? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। ठीक हैं आप जी? कौन सी क्लास में? फिफ्थ। अच्छा आप भी फिफ्थ में जी? ठीक है तो मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि अगस्त के मंथ में क्या हुआ? जी अगस्त के मंथ में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा आज़ाद हुआ था और क्यों आज़ाद किया था इसको? क्योंकि बहुत जुल्म हो रहा था मुस्लिम्स पे, ब्रिटिश और हिंदूज बहुत जुल्म करते थे पाकिस्तानियों पे। अच्छा दोनों बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे तो इसलिए आज़ाद किया। तो अब आप बहुत खुश हैं पाकिस्तान में जी? तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे? हम बहुत खुशी के माहौल में इंडिपेंड करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। क्या क्या करते हैं स्पेशल? क्या करते हैं? कुछ झंडे लेते हैं, झंडियाँ लगाते हैं? जी हम लगाते हैं और अच्छा। हम न्यू कपड़े भी लेते हैं पाकिस्तानी के और हम झंडे भी लेते हैं, लहराते हैं हम झंडे। अच्छा अच्छा चलें। थैंक यू जी। थैंक यू। नाज़रीन हमने आवाम की राय जानी और ये नतीजा अखज किया कि नाज़रीन बेशक प्लेटफॉर्म्स चेंज हुए, एक ज़माने में झंडियाँ लगाई जाती थी, चरागाह किया जाता था और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी जाती थी और लेकिन अब प्लेटफॉर्म चेंज हुए वो इस तरह कि अब जो हमारे नौजवान नस्ल है ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ वो सोशल मीडिया पर वो चीज़ें हाईलाइट तो करते हैं लेकिन फिज़िकली वो चीज़ें उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जब अगस्त का महीना आता है तो उन लोगों को हर जगह झंडे भी दिखाई देते हैं और अपने मुल्क के बारे में भी वो लोग सोचते हैं कि किस मुल्क के लिए कैसे इसकी तरक्की के लिए काम किया जाए, इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए। नाज़रीन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको ये चाहिए कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको ये बताया जाए कि ये मुल्क हमने कितनी कुर्बानियों से हासिल किया, इस मुल्क के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी और ये मुल्क हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। जब तक बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा तो बच्चे फिर उसको लेकर सीरियस भी नहीं होंगे। लेकिन एक चीज देखकर बहुत खुशी होती है कि आज भी अगर उनको बेशक ना भी पता हो लेकिन वो एक जज्बा रखते हैं कि आज भी अगर धरती माँ उनको पुकार उठे तो वो कभी भी कोई भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नाज़रीन इंशाल्लाह यही जज्बा रहेगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो देखने वाले हैं उनके अंदर भी यही जज्बा मौजूद है। इसी के साथ अपने मेजबान जमाल याकूब जाफरी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।